हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल मनोकामना सॉफ्टवेयर में। तो देखिए, एक फ़ोन आया है मेरे पास, वीवो का Y12। तो इसमें डिस्प्ले पे पूरा लाइन आ गया है, देख सकते हैं डिस्प्ले पे इसका जो है पूरा लाइनिंग है, आप लोगों को दिख रहा होगा। तो ये डिस्प्ले पे लाइन है, तो लाइन क्यों आ जाता है और कैसे आता है तो आप लोगों को इस वीडियो में बताएंगे, और ये कैसे हटेगा वो भी पूरा बताएंगे। तो प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और बेल आइकन को भी दबा ले, ताकि ऐसे ही सॉफ्टवेयर हार्डवेयर के टेक्नोलॉजी का वीडियो आप तक हम लेके आते रहेंगे। तो देखिए, इसमें होता क्या है, प्रॉब्लम कैसे आता है। प्रॉब्लम आने का कारण रहता है दोस्तों, इस पर दबाव आना, या कोई इस पर पैर रख देता है या कोई गिर जाता है, तो इसके कारण ये प्रॉब्लम आता है। क्योंकि काम तो देख रहे हैं ओके से पूरा कर रहा है ये, बट इसमें लाइनिंग सा देख सकते हैं दोस्तों, लाइनिंग आ रहा है, डिस्प्ले धुंधला व्हाइटनेस हो गया है। तो इसको क्या करना पड़ेगा, इसको करने के लिए दोस्तों सबसे पहले खोलना होगा, और खोलने के बाद इसे हमें इसका डिस्प्ले चेक करना होगा। और डिस्प्ले अगर ये तो टूट ही गया हुआ है, मतलब जो लाइनिंग है वो आ गया हुआ है, तो इसका डिस्प्ले जो है चेंज करना होगा। तो चलिए आप लोगों को हम इसमें चेंज करके दिखाते हैं पूरा, और कैसा डिस्प्ले इसमें लगाते हैं। तो आप लोग पूरा वीडियो ज़रूर देखें, और आपके मोबाइल में भी ऐसा कोई प्रॉब्लम आता है तो कमेंट करके ज़रूर बताएँ, हम आपको प्रॉपर सोल्यूशन ज़रूर बताएँगे। चलिए इसको हम खोल लेते हैं। देखिए, बिल्कुल आसानी से इसका सारा नट हम निकाल लेंगे, और निकालने के बाद देखिए इसका डिस्प्ले हम कैसे चेंज करते हैं वो आप लोगों को पूरा इस वीडियो में दिखाएंगे हम। तो प्लीज़ दोस्तों, मेरा वीडियो अगर अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अच्छा लगे तो शेयर भी कीजिएगा। तो देखिए, इसको हम खोल लेते हैं, आसानी से इसको निकाल लिए। देखिए, अभी तक ये मोबाइल खुला नहीं, बिल्कुल सील है, और बहुत अच्छा कंडीशन में मोबाइल है अभी। इससे सबसे पहले इसको हमको क्या करना है, बैटरी को रिमूव कर लेंगे, ठीक है। देखिए, इसकी जो बैटरी है ये सील्ड होते हैं, और बैटरी रिमूव करने के लिए यहाँ का देखिए ये सील्ड जो है ये हम आराम से निकाल लेंगे। और बैटरी का ये देखिए हरे कलर का जो दिख रहा है, इसको पकड़ के हम इसको आराम से निकालेंगे, ठीक है। देखिए, इसको पकड़ के आराम से निकालेंगे, और इसको भी पकड़ के हमें खींचना है। देखिए, ये पकड़ के हम खींचेंगे तो बैटरी आसानी पूर्वक निकल जाएगी। तो देखिए, देखिए आसानी पूर्वक बैटरी मेरा निकल गया, ठीक है। देखिए आसानी पूर्वक, ये थोड़ा टेढ़ा वेढ़ा हो जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको हम किसी दीवार पर ठोक के सीधा कर सकते हैं। तो देखिए एकदम सीधा हो गया है बैटरी। चलिए, बैटरी को हम साइड में रख देते हैं, और देखिए यहाँ पर ये प्लास्टिक जो लगा होता है उसको निकालेंगे। और निकालने के बाद देखिए, इसकी का ये डिस्प्ले पत्ता है, इसको आसानी से, चलिए इसका डिस्प्ले भी आप लोगों को हम आसानी से निकाल कर दिखाते हैं इसका डिस्प्ले कैसे निकलेगा। तो देखिए, कोई इसको बिल्कुल आसान आसान तरीका, चारों तरफ गैप बनाएंगे, और गैप बनाने के बाद देखिए 11D का कोई सा भी, इसको कोई 11D वाला पत्ती लेंगे, और एक साइड हल्का गैप बनाएंगे, और इसको चारों साइड ऐसे घिर देंगे, ऑटोमेटिक ये निकल जाएगा। देखिए कितने आसान तरीका से हमने इसका डिस्प्ले निकाल लिया है, और थोड़ा सा लॉक बचा है। देखिए इसके अंदर थोड़ा सा देख सकते हैं पानी का भी प्रकोप गया हुआ है, देख सकते हैं ये पानी का ही जाने से भी होता है, देख सकते हैं डिस्प्ले ओरिजिनल है। चलिए, इसमें सबसे बढ़िया डिस्प्ले हम इसमें लगा कर आप लोगों को दिखाते हैं। चलिए, तो हमने डिस्प्ले इसमें से निकाल लिया है, निकालने के बाद देखिए इसमें डिस्प्ले हम कौन सा लगाएंगे। इसमें देखिए हम ग्रो कंपनी का प्रीमियम सीरीज अभी फोल्डर आ रहा है, बहुत ही अच्छा क्वालिटी का, पेस्टिंग वारंटी में आता है दोस्तों। ये अगर हम लगा भी देते हैं, टच वगैरह में कोई प्रॉब्लम है तो इसमें हम चेंज करवा सकते हैं। देखिए ग्रो का प्रीमियम पेस्टिंग वारंटी आप लोग देख सकते हैं, यहाँ लिखा भी हुआ है, ओरिजिनल LCD बहुत ही अच्छे क्वालिटी का ये LCD है, और कॉम्बो आता है, तो ये कॉम्बो अभी बहुत अच्छा चल रहा है, देख सकते हैं ग्रो ओरिजिनल LCD ये है, प्रीमियम सीरीज का है। तो इसको हमने पहले चेक करके लगाना था, अब नहीं भी चेक करेंगे तो लगा सकते हैं। तो चलिए इसमें हमको अब इसको लगा के आप लोगों को हम टेस्ट करवाते हैं। तो सबसे पहले इसमें हमको इसमें जो लिक्विड यूज करना होता है गोंद, तो देखिए मैकेनिक का हम यूज करते हैं 37,000, ये बहुत ही अच्छा होता है, क्योंकि कई बार देखते होंगे आप लोग जो फोल्डर लगाने के बाद वो निकल जाता है, साइड साइड से वो छोड़ने लग जाता है, तो इसका कारण होता है दोस्तों ये ग्लू होता है, जो ग्लू सही तरीका से नहीं लगा होता है और सही ग्लू नहीं होता है। तो देखिए मैकेनिक का ये 37,000 बहुत अच्छा आता है, इसको हम क्या करेंगे, चारों साइड पहले फ्रेम का
बिल्कुल क्लीन करके, और क्लीन करने के बाद आराम से अच्छे से इसको हम लगा लेंगे। देखिए चारों साइड हम लगा दिए, इसका पूरा अच्छे से लगाना है, ये नहीं थोड़ा थोड़ा कहीं कहीं करके लगा देना है, बिल्कुल अच्छे से चारों साइड लगाना है पूरा गोल करके जो भी है। और क्योंकि अगर अच्छे से नहीं लगाएंगे तो बाद में फिर निकलने की संभावना ज़्यादा बढ़ जाती है, और थोड़ा भी गिरता उड़ता है मोबाइल तो डिस्प्ले बाहर निकल सकता है, इसलिए इस पर अच्छा से लगाएं। और ये फोल्डर का रेट अगर आपको लोगों को मार्केट में बता दें तो 1100 से 1200 रुपये तक आपको कोई भी लगा देगा। तो देखिए हमको करना क्या होता है, अब कई टेक्नीशियन क्या करते हैं, इसका ये वगैरह जो सील होते हैं वो नहीं निकालते हैं, ये देख सकते हैं इसका जो स्टिकर लगा हुआ है सील, ये निकाल के अच्छे से स्टिकर को उसको चिपका देंगे, इससे क्या होगा जो ऑटोमेटिक टच वर्क नहीं करेगा, तो बहुत सारे में ऑटोमेटिक टच वर्क करने लगता है। तो देखिए इसको हम आराम से इसके ऊपर चिपका देंगे, और चिपकाने के बाद देखिए यहाँ इस पर भी थोड़ा सा एक लगा होता है स्टील, देख सकते हैं ये जो चिपका हुआ है इसके ऊपर भी पन्नी होता है, ये हमें निकालना होता है। बहुत सारा टेक्नीशियन क्या करता है ये नहीं निकालता है, इससे भी प्रॉब्लम आता है, क्योंकि ये वाला जो मेटल पुट है ये हमें ग्राउंड से टच होना चाहिए तो अच्छे से अर्थ उसको मिलता रहता है तो काम करता है। चलिए अब ज़्यादा लेट ना करते हुए इसको हम फिट कर देते हैं, और बहुत ही इजी तरीके से इसको हम देखिए आसानी से लगा देंगे, कोई ज़्यादा परेशानी नहीं है, आप खुद से भी फोल्डर लगा सकते हैं अगर आप थोड़ा बहुत भी काम जानते हैं तो। और उसके बाद देखिए हमको करना क्या होता है, बहुत सारा टेक्नीशियन को आप लोग देखते होंगे चारों साइड पूरा गोंद लगा छोड़ देता है, इसमें छोड़ना नहीं होता है, अगर इसी समय हम इसको क्या करेंगे कोई कपड़ा लेके थोड़ा सा फोल्कन लेंगे और इसको चारों साइड अच्छे से साफ़ कर लेंगे, देखिए तो हमें क्या होगा इससे बिल्कुल ओरिजिनल की तरह फिटिंग दिखेगा, जो फिटिंग हम ओरिजिनल में करवाते हैं कंपनी की तरह होता है सर्विस सेंटर की तरह, बिल्कुल वैसा ही फिटिंग देखने को मिलेगा, देखिए बिल्कुल वैसा ही फिटिंग देखने को मिलेगा इस तरीके से अगर हम साफ़ कर देते हैं। चलिए अब आते हैं इस साइड, और इस साइड देखिए इसका हम आराम से ये स्ट्रिप लगा लेंगे, तो डिस्प्ले का जो स्ट्रिप है बिल्कुल अच्छे तरीका से लगा लेंगे, और ये जो स्ट्रिप है उसको अच्छे तरीका से यहाँ बैठा भी देंगे, और देखिए ये जो इसका प्लास्टिक है बैटरी का सील उसको भी हम अच्छे से यहाँ बैठा करके, और आप लोगों को चलिए टेस्ट करवा देते हैं और डिस्प्ले का क्वालिटी दिखाते हैं इसमें क्या कैसा होने वाला है। तो देखिए इसको देखिए आराम से बैटरी को बैठा लिए हैं, और बैठाने के बाद आप लोगों को चालू करके दिखा देते हैं। तो देखिए ये चालू हो गया है, और चालू होने के बाद थोड़ा देखिए इसको हम कस लेते हैं जब तक, और पूरा चालू होने देते हैं इसका जो भी, देखिए जितने भी नट खोले हैं इसको एक एक नट करके कस दें, नट छोड़े ना, छोड़ने से होता क्या है इसमें कुछ ढीला रह जाने पर कभी कभी मोबाइल गिरता है तो बैटरी स्ट्रिप या फोल्डर का स्ट्रिप निकल जाता है, इसलिए नट बराबर पूरा का पूरा कस देंगे जो भी नट उसमें लगा होता है, कई टेक्नीशियन नट भी छोड़ देते हैं इसके कारण भी मोबाइल गिरने से ये प्रॉब्लम हो जाता है। चलिए इसको हमने कस लिया है, देखें वैसे कि वैसे लगा दिए हैं, इसमें कुछ ज़्यादा परेशानी है, उसको फिर से हम इसका बैक जो है वो लगा देंगे, और देखिए लगा दिए, टच भी मेरा एक नंबर काम कर रहा है। चलिए आप लोगों को इसका स्टिकर निकाल के दिखा देते हैं, ये देखिए बिल्कुल अब कोई लाइनिंग वगैरह नहीं आ रहा है, और देख सकते हैं बिल्कुल ओरिजिनल की तरफ ब्राइटनेस भी है। तो धन्यवाद दोस्तों। ऐसा देखिए डिस्प्ले ओरिजिनल इसका बिल्कुल क्वालिटी का लग रहा है, इसका पासवर्ड हमें मालूम नहीं है, बिल्कुल अच्छे तरीका से ये काम कर रहा है। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं फिर से किसी दूसरे वीडियो में, और देखो वो आईवारा का डिस्प्ले लाइनिंग क्या और कोई भी चेंज करने का प्रॉब्लम आता है तो आप लोगों को हमने करके दिखाया, तो प्लीज़ वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक कमेंट जरूर कर लीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं फिर से किसी दूसरे वीडियो में।